पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद नगर निगम की टीम ने दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा पर संपत्ति कर जमा न करने पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्श्वनाथ प्लाजा पर 65 लाख रुपए की संपत्ति कर बकाया था, जिसे नगर निगम की टीम ने सील करने की कार्रवाई की। नगर निगम ने पार्श्वनाथ प्लाजा की दोनों एंट्रियों पर सील लगाकर गेट लॉक कर दिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा पर लगभग 65 लाख रुपए का बकाया है, जो 2010 और 11 से ये धनराशि बकाया थी। इनके द्वारा बताया गया कि लगातार नगर निगम ने संपर्क किया और बिल मांग नोटिस भी दिया, लेकिन बकाया जमा न करने के कारण अपर नगर आयुक्त अतुल यादव के नेतृत्व में इसको सील किया गया। तो वहीं पार्श्वनाथ प्लाजा के बाद ग्लोबल आर्ट दिल्ली रोड स्थित लाकड़ी फाजलपुर से भी 19 लाख रुपए बकाया था, जिसको सील करने के पश्चात 10 लाख रुपए नगर निगम में जमा किया गया है। दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा पर लगभग 65 लाख रुपया बकाया है, जो 2010-11 से यह धनराशि बकाया है। इनके द्वारा बकाया हेतु लगातार नगर निगम द्वारा संपर्क किया गया, बिल मांग नोटिस प्रेषित किए गए, किंतु बकाया न जमा करने के कारण अपर नगर आयुक्त महोदय श्री अतुल यादव के नेतृत्व में इसको सील किया गया। और कितना क्या और भी शहर में बकाया और क्या अभियान चलाया जा रहा है? पार्श्वनाथ प्लाजा के बाद ग्लोबल आर्ट दिल्ली रोड स्थित लाकड़ी फाजलपुर पे 19 लाख बकाया था, जिसको सील करने के पश्चात 10 लाख रुपया नगर निगम में तत्काल जमा किया गया। बकायादारों से क्या अपील करने चाहेंगे जिनके ऊपर? नगर निगम मुरादाबाद स्थित समस्त बकायादारों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, एक्सपोर्टरों पर जो भी गृहकर जलकर की बकाया धनराशि है, वह समय से जमा करें, ब्याज से बचें, सीलिंग की कार्यवाही से बचें। साथ ही नगर निगम द्वारा दी जा रही सफाई, पानी इत्यादि सुविधाओं का लाभ उठाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।